नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ इंजन ओवर हीटिंग, इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है उसके क्या कारण रहते हैं और क्या समाधान रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इम्प्रॉपर कूलिंग, देखो जो इंजन हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसका मेन काम रहता है इम्प्रॉपर कूलिंग, यानी उसको सही ढंग से ठंडा नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो उसके क्या कारण रहते हैं, सबसे पहले लो इंजन लेवल, जो हमारी बाइक के अंदर जो ऑयल डला हुआ है उसका लेवल हमको चेक करना है कितना है। एक तो मिनिमम रहता है, एक मैक्सिमम रहता है, उसके बीच में आपका ऑयल लेवल होना चाहिए। यदि ऑयल लेवल कम है तो वो प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा, लुब्रिकेशन नहीं होगा तो गाड़ी गर्म हो जाती। दूसरा रहता है इम्प्रॉपर ग्रेड ऑफ इंजन ऑयल, जो जिस ग्रेड का गाड़ी में इंजन ऑयल डलना चाहिए उस ग्रेड का इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर डला है कि नहीं डला है, वो आपको चेक करना है। यदि इम्प्रो जो ऐसे 10W30 का, 20W40 का, 20W50 का ऑयल, उसी ग्रेड का ऑयल उस गाड़ी के अंदर डला होना चाहिए, नहीं तो क्या रहता है, ज़्यादा गाढ़ा ऑयल हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन नहीं करता और लो विस्कोसिटी वाला यानी थोड़ा ढीला ढाला ऑयल है वो जल्दी से सर्कुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन नहीं करता। तो उसके लिए उसी ग्रेड का इंजन ऑयल चाहिए जो बराबर तरीके से उसके अंदर सभी जगह सर्कुलेट हो, सभी जगह जाए और कूलिंग करके आए, ये मेन काम रहता है। इसके बाद ऑयल पंप, इसके बाद आपको देखना है ऑयल पंप। ऑयल पंप यदि सही ढंग से काम नहीं कर रहा है उसकी वजह से वो इंजन ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो ऑयल पंप को देखना है, उसकी ओरिंग को देखना है, ठीक है, ऑयल पंप की ओरिंग को देखना है, टीथ को देखना है। इसके बाद इंजन के अंदर जितने सारे ऑयल जाने के प्रेशर रहते हैं वो कहीं चोक तो नहीं हो गए हों, तो उसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से चोक हो जाएगा तो इंजन ऑयल उसके अंदर सर्कुलेट नहीं करेगा, तो ये गाड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। इसकी वजह से कभी कभी पिस्टन सीज हो जाता है, जाम हो जाता है, तो ऑयल पंप को आपको चेक करना है, ठीक है। इसके बाद बर्न आउट फ्रैक्शन प्लेट एंड प्रेशर प्लेट, यदि प्रेशर प्लेट और फ्रैक्शन प्लेट ख़राब हो गई है तो भी इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये मेन रीज़न रहते हैं इंजन गर्म होने के। तो इसका आपको समाधान मैं आपको बता ही रहा हूँ, लो इंजन लेवल है तो इंजन लेवल को बराबर मात्रा में रख लिए, और जिस ग्रेड का आपको इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर डालना है उसी ग्रेड का इंजन ऑयल आपको डलवाना है, भरवाना है। इसके बाद ऑयल पंप को चेक करना है, ऑयल प्रेशर को चेक करना है, ओरिंग को चेक करना है, इसके बाद उसको यदि ख़राब हो तो बदल लेना चाहिए, और फ्रैक्शन प्लेट, क्लच प्लेट, इनको आपको चेक करना है यदि ये प्रॉब्लम कर रही है जिसकी वजह से इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं प्रकाश कुमार सैनी। यदि आपको कोई सुझाव, कोई कमेंट हो वो भी आप ज़रूर मेरे को देना।